नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। और हम बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा से अमरनाथ गामी जो एकदम पूरी तरह तैयार थे कि वो शहरी से लड़ेंगे, अब 70% जो सूत्र बता रहे हैं कि वो अब उन्हें हायाघाट से ही लड़ना पड़ेगा। इसके वजह है अमरनाथ गामी भरमाते ज़्यादा हैं, हमने लगातार दिखाया था, वो उनके दिमाग में कुछ और रहता है, जुबान पे कुछ और। उन्होंने पहले हमें कहा था, आपको हम स्टेटमेंट दिखाएंगे, उन्होंने कहा था हमारे चैनल पर हमसे इंटरव्यू में कि कुछ भी हो जाए वो जदयू नहीं छोड़ेंगे, चाहे जदयू टिकट दे ना दे। लेकिन क्या हुआ उनका वादा? दरभंगा की तमाम जनता और हायाघाट की जनता भी आज से नहीं बल्कि एक साल से पूछ रही है कि आप क्लियर करें स्टैंड, क्या आप मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं या मुख्यमंत्री के सपोर्ट में हैं। उनके बयानों में लगातार बदलाव, जनता दिग्भ्रमित होती है। और ऐसे में ही कहीं ना कहीं इस बार अमरनाथ गामी दोनों तरफ से पिस गए हैं। कल का उनका स्टेटमेंट ये है कि वो अब सर्वे करेंगे, बड़ा गौर से सुने उनके शब्द को, अब वो सर्वे करेंगे, यानी कि रविवार को वो दरभंगा के मंदिर मस्जिद जाएंगे, वहाँ के आम लोगों से पूछेंगे, उसके बाद फिर हायाघाट जाएंगे, वहाँ के लोगों से विचार करेंगे। ऐसा होता है क्या? अपने दिमाग से वो निर्णय ले चुके हैं और उन्हें पार्टी भी बता चुके हैं आपको कहाँ से टिकट लड़ना है, ये केवल लोगों को बता रहे हैं। हम बता दें एक और उम्मीदवार हैं महागठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल के बद्री पूर्वे, जो दरभंगा शहरी विधानसभा के हैं। हमने कल कहा था कि अमरनाथ गामी की एंट्री बद्री पूर्वे और ओम प्रकाश खेरिया की नींद उड़ा सकती है, और उड़ाई भी थी। बीच में दिलों के धड़कने बढ़ गए थे, लगातार ये लोग काम भी कर रहे थे। ये है बद्री पूर्वे का, देखे गौशाला, और सुबह का समय है, इस गौशाले में दूध पीकर वो अपने दिमाग को भी और स्वास्थ्य को भी तरोताज़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी है। एक बार लड़ाई में इन्हें धोखा मिल गया है और ये किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि इस बार जो है उन्हें धोखा नहीं मिले। और कल मुकेश सहनी को जिस तरह RJD ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, हमने पहले भी कहा था कि मुकेश सहनी का चेहरा उप मुख्यमंत्री के लायक तो है नहीं, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री 25 सीट मांग रहे थे जबकि 8 सीट जो है तेजस्वी यादव दे रहे थे। हम बता दें हमारे साथ बद्री पूर्वे हैं जो शहरी विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। बद्री जी, अभी सब घटनाक्रम आपने देखा होगा, क्या लगा इस बार, क्या गामी जी आप लोगों के दिल की धड़कने बढ़ा दिए हैं? देखिए, मैंने कल भी बताया था कि वो राष्ट्रीय जनता दल में अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपना जो पोस्ट किया फेसबुक पे कि उन्हें RJD से नाता जोड़ने के लिए, JDU को वो छोड़े नहीं, JDU से वो निकाले गए हैं, और RJD से नाता जोड़ने के लिए ऐसा पोस्ट करके उन्हें RJD में आना, ये हमें समझ की बात नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि उन्हें क्या आश्वासन मिला नहीं आश्वासन मिला, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूँ कि मैं दरभंगा शहर से ही चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूँगा भी। अच्छा बद्री जी, आपने देखा होगा कि गामी जी का जो स्टेटमेंट लगातार बदल रहा है, वो पहले बहुत खामोश थे, अब वो कह रहे हैं कि अब पार्टी उन पर छोड़ चुकी है कि वो चुन लें, शहरी चुने या हायाघाट चुने, ये उनका कहना है कि पार्टी उन पर छोड़ रही है, क्या ऐसा संभव होता है क्या? देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो इतनी आसानी पूर्वक किन्हीं पर निर्णय करने के लिए छोड़ देंगे, ये हमें गले के नीचे नहीं उतरता है। और शायद वो लोगों को दिग्भ्रमित करके कल भीड़ इकट्ठा करवाए, जो एक गलत बयान राष्ट्रीय जनता दल के जो है सो प्रदेश कार्यालय में गया, जो कि उनको आगे समय उनको बताएगा क्या है। और मैं पुनः फिर कहता हूँ कि मैं ही राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार दरभंगा शहर से रहूँगा। अच्छा ये बताइए कि गामी जी का आपने पोस्ट भी देखा होगा, वो जदयू में हैं कि भाजपा में थे, क्या थे उनका, क्या? वही तो मैंने बताया ना कि वो इस तरह का पोस्ट पहले किए कि JDU से हमें, मैंने बहुत गिरगिराया तो हमें वहाँ से निकाल दिया गया, और भाजपा की बड़ाई उन्होंने किया कि मैं RSS का जन्म से ही मेंबर हूँ और अभी भी उसका मेंबरशिप का पैसा जमा करता हूँ, ये लिखने का क्या औचित्य उनका था। और फिर वह पुनः राजद में आने की मंशा भी रखते हैं, ये बात समझ से परे है। तो इस बार जो आप सर्वे कर रहे हैं, दो शहरी विधानसभा से ओम प्रकाश खेरिया भी लगे हुए हैं, आप भी हैं, और अगर हम कहें तो अब बाकी नाम तो पीछे हट ही गया है, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव किस तरह सर्वे किए हैं इस बार सभी विधानसभा क्षेत्रों में? हमें जो जानकारी मिली है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में
राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बिहार विकास मित्र प्रत्येक बूथ पर 5-5 लोगों को बनाया गया है और उसी के अंतर्गत उम्मीदवार का भी सर्वे किया गया है 243 सीट पे। पार्टी कोई भी कहीं से भी लड़े लेकिन उसमें राष्ट्रीय जनता दल का सर्वे और उसके जो बिहार विकास मित्र जो बनेंगे वो एक्टिव रहेंगे प्रत्येक विधानसभा में। इसलिए हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन काफ़ी सीट जीत करके जो है। मगर ये एक बात और भी आया था जो हमने पिछले खबर बनाया था, तेली समाज और सूरी समाज को लेकर के विवाद छिड़ गया। तेली समाज का कहना है कि मधुबनी, सीतामढ़ी और दरभंगा में भी कई बार सूरी समाज को अहमियत दी जाती है, तेली समाज को नहीं जाती, तो क्या लगता है तेली और सूरी समाज के बीच में इसको लेकर के बढ़ेगा विवाद क्या? ये सब र्यूमर है, जो कुछ विरोधी हैं वो लोग इस र्यूमर को खड़ा करते हैं, नहीं तो यहाँ तेली और सूरी का कोई विवाद नहीं है। और जहाँ तक टिकट की बात है तो हमारे जो नेता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी वो इस पर निर्णय लेंगे और हमें उम्मीद है कि बैस समाज को इस बार प्रतिनिधित्व बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। बता दीजिए अल्पसंख्यक समाज को कैसे लेकर के चलेंगे, क्योंकि आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है और यही निर्धारित करता है जीत या हार, तो आप अल्पसंख्यक समाज को किन किन मुद्दों पर साथ देकर के आएंगे? देखिए हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के जो साथी हैं उन लोगों को वो दिन याद करना होगा जब 1990 में आदरणीय लालू जी की सरकार आई, उसके बाद उनका महत्व कितना बढ़ा, ये उन लोगों को याद करना पड़ेगा वो दिन कि एक समानांतर बड़े और छोटे लोगों के बीच बनाने के लिए आदरणीय लालू जी ने जो अपना प्रयास किया उसी के अंतर्गत उन्हें 15 साल तक सरकार में रहने का समय मिला। अच्छा एक अंतिम सवाल, तेजस्वी जी ने कल साफ कहा था कि सभी जाति को लेकर के चलेंगे, सभी जाति धर्म को लेकर चलेंगे। मुकेश सहनी अलग नाराज हो गए हैं, जो मुकेश सहनी से के आप खुद मारे हुए हैं या फिर धोखे खाए हुए हैं आप, तो दोनों को लेकर के कैसे चलेंगे, किस किस समाज को आप लेकर चलेंगे? मुकेश सहनी जी का क्या स्टैंड था और क्या हुआ इस पर मैं अपना कोई मंतव्य देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो केवल सन ऑफ माला लिखते हैं, वो केवल सहनी समाज के नेता है, न कि अति पिछड़ा समाज के नेता है, वो खुद इस बात को कहते हैं। और अति पिछड़ा समाज में तो बहुत सारे वर्ग हैं, तिली भी हैं, कानू भी है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो उन लोगों को लालू जी के उस ज़माने की बात याद करके इस बार मतदान करना होगा ताकि उन्हें फिर आगे और रास्ता खुलने का मौका मिले। और सभी जाति को किस तरह लेगा? और सभी जाति जो हैं उसमें आज एक पोस्ट आया है कि श्री अनिल झा जी को यहाँ से ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के सीट से न कि कांग्रेस के सीट से। तो ये दिखता है कि कांग्रेस को भी अगर 70 सीट दिया गया है तो भी सभी जाति के लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से, ये हम उम्मीद है, और सभी जाति एक साथ मिलकर के इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग करें। तो चलें आप भी रहिए मिथिला मंच न्यूज पर, हर अपडेट हम आपको सिर्फ मिथिला मंच न्यूज दिखा रही है दरभंगा की बदलती परिस्थिति। बता दें भोला यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों की अलग अलग राजनीति दरभंगा महागठबंधन को दो अलग अलग मोड़ पर ले आई है। और हम बता दें जो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ कहा था कि इस बार हम तेली सूरी समाज को आगे लाएंगे, टिकट दिलवाएंगे, इसका नतीजा ये हुआ कि 6-6 लोग एक ही समाज से पहुंच गए, किसे टिकट मिलेगा? बाद में अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव फिर अमरनाथ गामी के संपर्क में हैं। अब कहना यह है कि हमने पहले ही कल के अमरनाथ गामी के स्टेटमेंट से तय कर दिया है, ये अमरनाथ गामी लोगों को भरमा रहे हैं कि वो शहरी से लड़ेंगे, जबकि ये बात तय हो चुका है कि उन्हें पार्टी भी बोल दी है कि अब आपको लड़ना होगा तो आप हायाघाट से ही लड़िए। देखिए क्या होता है, हमारी नज़र पटना से लेकर दरभंगा के हर एक राजनीतिक पहलू पर है। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज को, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट के लिए।